इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। हमारे BSNL एम्प्लॉयज यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान के ऊपर एक दिवसीय हड़ताल का भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिला हेडक्वार्टर्स पे, सर्किल हेडक्वार्टर्स पे उसकी जो हमारे मुख्य मांगे हैं, अभी जो VRS स्कीम हमारे लागू कर रहे हैं 31 जनवरी 2000 से, जो 50 साल से अधिक के जो कर्मचारी और अधिकारी जो है उस स्कीम के तहत जो रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो उसके अंदर उस स्कीम में काफ़ी विसंगतियां हैं। जैसे पेंशन कम्यूटेशन जो है कर्मचारी की 60 साल की उम्र होने के बाद में उसको अलाउ किया जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट और 60 साल की उम्र के बीच में अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो पेंशन कम्यूटेशन का उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसका स्पष्ट करने के लिए, और दूसरा जो पेंशन रिवीजन जो हमारा थर्ड पे रिवीजन अभी ड्यू है, अभी मिला नहीं है, अगर वो जो है 1 जनवरी 2017 से लागू किया जाता है तो उसका लाभ जो है VRS के तहत रिटायरमेंट लेने वालों को उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए। और हमारे 4G स्पेक्ट्रम जो है कैबिनेट ने निर्णय लिया है आवंटित करने का, लेकिन अभी सेवाएं शुरू नहीं की गई है, तो वो 4G सेवाएं जल्द से जल्द शुरू करने के लिए भी एक हमारी ये मुख्य मांग है। तो इन मांगों को लेकर के जो है आज एक दिवसीय हड़ताल जो है पूरे देश में की जा रही है। आपका परिचय? आनंद सिंह राठौड़, जिला सचिव BSNL एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर।